के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। छात्र नेता सम्मेलन में योगी ने भरी हुंकार, फिर से बनाए मोदी सरकार। कहा, आर्थिक रूप से विश्व में तीसरे पायदान पर खड़ा होगा भारत। युवाओं को आर्थिक स्वावलंब की ओर बढ़ाया मोदी सरकार ने। नामांकन प्रक्रिया के पांचवें दिन गोरखपुर सदर लोकसभा के लिए 9 तथा बांसगांव सुरक्षित सीट के लिए 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर के विजयन पांडे ने दी जानकारी। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के केंद्रीय कार्यालय का सीएम योगी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा, सरकार की योजनाओं की सेल्फी लेकर करें सोशल मीडिया पर वायरल, पार्टी प्रत्याशी को बनाए विजयी। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 2 मई को होगा वृहद कार्यक्रम। सीडीओ ने बैठक करके लिया तैयारियों का जायजा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया दावा, यूपी में 75 से अधिक सीटें जीत रही है भाजपा। कहा, स्मृति ईरानी के डर से राहुल भाग गए हैं साउथ, गठबंधन के मंसूबे हो गए नेस्तनाबूद। बांसगांव संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ ने किया नामांकन, जिला अध्यक्ष राकेश यादव सहित पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। सदर लोकसभा सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अभिषेक चंद सिंह ने किया वो नामांकन। कहा, 27% आरक्षण के 3 हिस्से में बंटवारा और शराबबंदी है मुख्य मुद्दा। बांसगांव संसदीय सीट से प्रगतिशील समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद ने किया नामांकन। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के जयप्रकाश मिश्र ने सदर लोकसभा से किया नामांकन। कहा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जाम और जल जमाव है प्रमुख मुद्दा। बांसगांव सुरक्षित संसदीय सीट के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राम ने किया नामांकन। सदर लोकसभा सीट से अपना दल यूनाइटेड ने कौशल्या निषाद को बनाया उम्मीदवार। कहा, विकास और जनसेवा के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। सकुशल संपन्न हुआ जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव, अमिताभ त्रिपाठी अटल बने अध्यक्ष। कहा, यह जीत मेरी नहीं समान संवेदना की है जीत। बहुजन मुक्ति पार्टी से अवधेश निषाद ने सदर लोकसभा सीट से किया नामांकन। कहा, गरीबी और अमीरी की खाई को संतुलन बनाने के लिए किया जाएगा कार्य। सदर लोकसभा सीट से भारतीय एकलव्य पार्टी के मुनीब निषाद ने किया नामांकन। कहा, गरीब और पिछड़े वर्ग का करेंगे उत्थान। और सदर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राधेश्याम सेहरा ने किया नामांकन। कहा, किसान मजदूर हैं परेशान हाल, बेरोजगारी है प्रमुख मुद्दा।